आपने क्या कवर किया था, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जितने भी आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी 11th में, उसके ऊपर आपने कवर किया था। तो इस पार्ट में वैसे ही आपके न्यूमेरिकल्स में कुछ फॉर्मुला यूज होंगे रिलेटेड टू क्वेश्चन या प्लेन, उसके ऊपर आपको पढ़ना होगा। समझ में? अच्छा, जैसे कि वो फॉर्मूला किसके ऊपर बिलोंग करते हैं, वेलोसिटी के ऊपर बिलोंग करते हैं, मतलब वही फैक्टर, कैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, डिस्प्लेसमेंट में कैसे फॉर्मूला आएगा, एक्सीलरेशन में कैसे फॉर्मूला आएगा, उसका एवरेज में कैसे फॉर्मूला आएगा, उसके ऊपर हम लोग आज डिराइव करेंगे और उसका सब एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो देखिए, तो उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ, मतलब बैक में मैंने कुछ पढ़ाया था उसको और एक बार थोड़ा कवर अप करना चाहता हूं, बट उसका थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, देख लीजिए। तो मोशन में प्ले चैप्टर आपके, तो एक्सप्रेशन फॉर पोजिशन वेक्टर, मैंने आपको ऑलरेडी पोजिशन वेक्टर के बारे में बताया था, तो उसका आज और एक बार से निकालना क्या है, एक्सप्रेशन पोजिशन वेक्टर आपको ऑलरेडी पता है, आर वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप, आपको बोला था वेक्टर मैग्नीट्यूड रहेगा, उसके साथ डायरेक्शन रहेगा, उसके साथ उसका ऑर्थोगोनल रहेगा, तो उसी को कैसे निकालना है, डिराइव करना है इन टू डायमेंशन, यहां पे क्या रहेगा, इन टू डायमेंशन, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो कोऑर्डिनेट लिया है एक्स वाई एक्सिस का, जहाँ पे पार्टिकल है एक ए है एक बी है, दो पॉइंट ए पॉइंट पे क्या है एक्स आई कैप और बी बी पॉइंट पे क्या है वाई जेड कैप, मैं आपको बोला था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर एक्स एक्सिस, आई कैप फॉर वाई एक्सिस, जेड कैप मैंने ऑलरेडी आपको बोला था एक्स आई कैप वाई जेड कैप, समझ में? पोजीशन वेक्टर इसका बीच में जाएगा कितना होगा आर वेक्टर, समझ में आ रहा है? और आपको ऑलरेडी रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है वेक्टर एडिशन से, क्या होता है OP vector is equal to क्या होता है OA vector plus OB vector, OA vector plus OB vector, ये two dimension है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो OP vector equal to OA plus OB vector, ये आपको तो already पता है, resultant का formula मैंने आपको vector addition में already सिखाया, तो OP vector क्या है, हमारा R vector और हमारा क्या है position vector है, उसके साथ OA, हमारा जो OA vector का value कितना है, x i cap मैंने आपको already बता चुका, x i cap plus OB vector का value कितना है y j cap, तो ये जो हमारा expression निकला ये क्या है, पोजीशन वेक्टर फॉर पार्टिकल इन टू डायमेंशन मोशन, कितना डायमेंशन है, टू डायमेंशन इन मोशन, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके ऊपर हम लोग बेस्ड करके पढ़ेंगे कैसे डिस्प्लेसमेंट में कैसे फॉर्मूला आएगा, कैसे एक्सीलरेशन में कैसे फॉर्मूला आएगा, कैसे हमारा वेलोसिटी में फॉर्मूला आएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे, तो इसको देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी देखिए, अभी हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे कि मैं आप लोगों ने लिया था, क्या लिया था, पोजीशन वेक्टर, वैसे हम लोग यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी डायग्राम के बेस पे ऊपर, पर यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा पोजीशन वेक्टर सर्टन पॉइंट तक पी तक था, वो उस पॉइंट से और एक पॉइंट तक क्या करेगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है और हमारा जो बॉडी है वो क्या करेगा, मूव करेगा, एक जगह से और एक जगह मूव करेगा, जो कि हमारा जो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको हम क्या देंगे, डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है? तो देखिए, यहाँ पर देखिए, तो मैंने कोऑर्डिनेट किया है वही टू डायमेंशन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो x एक्सिस y एक्सिस में हम लोग देख चुके होंगे, यहाँ पर एक O से एक सर्टन पॉइंट तक P तक है, ये हमारा क्या है R वेक्टर, ये हमारा क्या है R वेक्टर, उसी के साथ हमारे O पॉइंट से P पॉइंट तक P डैश पॉइंट तक है, ये क्या है हमारा R डैश वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर फॉर OP वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या है फॉर OP डैश वेक्टर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमारा दो पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों के अंदर जो चेंज होगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसी को हम लोग को एक्सप्रेस करना है, तो इन दोनों के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, हम लोग लेंगे कितना, डेल आर डेस, कितना लेंगे हम लोग, डेल आर डेस, इन दोनों के अंदर ओपी एंड ओपी डेस के अंदर कितना है पीपी डेस, ये क्या लेंगे हम लोग, डेल आर वेक्टर, समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग कितना लेंगे, डेल आर वेक्टर, इन दोनों के अंदर चेंजेस कितना आएगा, वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंजेस आएगा, समझ में? अच्छा, तो ये एक्स एक्सिस है, सपोज हमारा पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक जो जा रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा वो कितना डिस्प्लेसमेंट देगा पर एक्स एक्सिस, डेल एक्स, कितना देगा, डेल एक्स, सिंपल, वैसे हमारा पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट पर वाई एक्सिस कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, डेल वाई, आपको समझ में आ रहा है, इसके लिए इतना मैग्नीट्यूड, इसके लिए इतना मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस कोऑर्डिनेट के लिए हुआ। अभी देखिए, तो मैं मुझे भी क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है, जो पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक जो मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन टू डायमेंशन में, मुझे उसका वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां पे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ओ पी पी डैश और बाद में जाके ओ, ये क्या हो रहा है, ट्रायंगल हो रहा है, इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा कि नहीं होगा, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ओ पी डैश इक्वल टू ओ पी प्लस पी डैश, देखिए ओ पी डैश इक्वल टू ओ पी प्लस पी डैश, मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, समझ में? उसके बाद देखिए,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू कितना है वर्किंग रेडियस, ये पॉइंट से और एक पॉइंट वेस्ट, जैसे हम लोग किया था पोजीशन वेक्टर ओपी, वैसे यहां पर दो पोजीशन वेक्टर लेना है, एक आर और क्या है आर डैश, एक पॉइंट से एक पोजीशन वेक्टर से और एक पोजीशन वेक्टर तक मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझ गए कि नहीं, जो हमारा बॉडी मूव करेगा तो उसी को हम लोग निकालना है, ये पॉइंट से इधर मूव करेगा कितना आएगा इसका वैल्यू डेल आर वेक्टर जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डेल आर वेक्टर का जो टाइम होगा पीपी डैश वेक्टर भी वही होगा, तो मैं इधर अगर पीपी डैश को रखूंगा पीपी डैश इक्वल टू क्या लिख सकता हूं ओपी डैश प्लस माइनस ओपी लिख सकता हूं, ये इधर आंसर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो पीपी डैश इक्वल टू ओपी डैश माइनस ओपी, आपको ऑलरेडी पता है ओपी डैश, देखिए ओपी डैश हमारा क्या है ओपी डैश हम लोग का क्या है आर डैश वेक्टर, तो ओपी डैश हमारा क्या लिखा है आर डैश वेक्टर, पीपी डैश हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको क्या नाम दिया डेल आर वेक्टर, और हमारा बच गया जो ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर उसका क्या है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, समझ गए कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाल चुका हूं पोजीशन वेक्टर का कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जेड के, वैसे ही सिंपल इधर जैसे आर वेक्टर में एक्स आई के प्लस वाई जेड के होगा वैसे ही यहां पर आर डैश में क्या हो जाएगा कुछ चेंजेस नहीं होगा, जो एक्स वहां पर था यहां पर वही एक्स क्या हो जाएगा एक्स डैश एंड वही वाई क्या हो जाएगा वाई डैश, तो देखिए तो आपको ऑलरेडी पता है पोजीशन वेक्टर का फार्मूला r equal to x i k plus y j k, वैसे r dash का फार्मूला क्या हो जाएगा x dash i k plus y j k, मैं according to in terms of rectangular component, जो rectangular component पोजीशन वेक्टर का जो फार्मूला निकाला था उसी के हिसाब से लिख रहा हूं, है कि नहीं फार्मूला ये वाला आएगा, तो r dash में क्या आएगा dash रहेगा x dash i k plus y dash j k, वैसे जो r है r का सिंपल फार्मूला आपको पता है पोजीशन वेक्टर क्या है x i k plus y j k, समझ में, अब इस x के पास ये जो i के पास कॉमन आएगा j के पास कॉमन आएगा तो i के कॉमन आएगा इनके अंदर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा x डैश माइनस x कॉमन क्या है i के प्लस इसके साथ क्या है y डैश माइनस y कॉमन क्या है j के, समझ गए कि अच्छा, तो डेल r वेक्टर हमारा वैसे ही जाएगा जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू देखिए जो x डैश माइनस x ये क्या हो रहा है चेंज ही हो रहा है चेंज ही x एक्सिस के ऊपर हो रहा है उसको मैं नाम क्या दे सकता हूं डेल x, क्या दे सकता हूं डेल x, वैसे ही डेल वाई दे सकता हूं वाई डैश माइनस वाई क्योंकि हमारा चेंज इन हो रहा है चेंज इन वैल्यू के लिए और चेंज इन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉर वाई एक्सिस उसके लिए मैं दे सकता हूं, जैसे कि मैंने पोजीशन वेक्टर में चेंज देखा मेरा आर डैश आर से आर डैश जा रहा था तो वैसे मैंने उसको क्या दिया डेल आर वेक्टर, जैसे हमारा एक्स डैश से एक्स हो रहा है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं डेल एक्स और वाई डैश से वाई क्या लिख सकता हूं डेल वाई, तो ये हमारा क्या क्या एक्सप्रेशन फॉर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या आपके न्यूमेरिकल से कुछ यूज होगा जहां पर न्यूमेरिकल में आप लोग यूटिलाइज करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर वहां पर उधर फॉर्मलाइजेशन दिया था तो इसको नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी देखिए अभी हम लोग किसका एक्सप्रेशन निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी का, किसका एवरेज वेलोसिटी, ये सब फॉर्मूला आपके जो न्यूमेरिकल्स में आएंगे वो यूज होंगे, तो इसके इसके अगले वाला जो चैप्टर मोशनलेस स्टेट है उसमें भी ये सब फॉर्मूला आएगा उसी के ऊपर ही बेस्ड है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन बहुत सारी चीजें हैं वहां पर यही सब चीज देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए आपको कुछ मतलब प्रीव्यू लेना पड़ेगा इसी चैप्टर से, समझ में आया, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, ये किसका रेशियो है डिस्प्लेसमेंट, हमने जो ऑलरेडी निकाल चुका जो डिस्प्लेसमेंट हमारा निकाला था वो था हमारा निकाल चुका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल में वो होगा उसी के ऊपर कि कौन बेस्ट है एवरेज वेलोसिटी बेस्ट है, आपको तो वेलोसिटी पता है बी, एवरेज वेलोसिटी क्या डिनोट करता है बी डैश, क्या डिनोट करता है बी डैश, तो इसका फॉर्मूला क्या बोल रहा है ये एक रेशियो है, रेशियो किसके अंदर द डिस्प्लेसमेंट, जिस यहां पर क्या पर डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसके साथ क्या रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल रहेगा उस रेशियो में, तो यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी हम लोग डिनोट करते हैं क्या बी डैश इक्वल टू फॉर्मूला क्या है डेल आर डेल आर डेल आर वेक्टर बाय डेल टी, डेल आर वेक्टर हम लोगों को क्या आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ऑलरेडी लिख चुका हूं क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फार्मूला क्या था डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप, नीचे टाइम इंटरवल क्या है डेल टी, टाइम इंटरवल क्या है डेल टी, समझ में आया कि नहीं, तो ये आपका रेशियो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसके नीचे क्या आएगा टाइम इंटरवल, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स टाइम इंटरवल, तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और डेल एक्स बाय नीचे क्या रखेंगे डेल टी, इसको सेपरेट करेंगे आई कैप, वहां पर क्या करेंगे डेल वाई बाय डेल टी क्या करेंगे जे के, समझ में, अच्छा तो उसी को अगर हम लोग का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर क्या था बी डैश था हमारा क्या था एवरेज वेलोसिटी,
कंपोनेंट पता है आपको, जनरल वेलोसिटी का फार्मूला पता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या है, कॉरस्पोंडिंग टाइम इंटरवल आपको तो ऑलरेडी पता है, और ये क्या होता है फार्मूला x y का होता है, t होता है, क्या कोऑर्डिनेट पता है x y t होता है, बट यहां पर तो सटल एक्सिस के लिए पार्ट है i के और y के लिए सटल एक्सिस के लिए पार्ट है क्या है j के, तो जब ये वाला फार्मूला आ जाता है x i के और y j के, तो मैं यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, वही जो था v था तो उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, v डैश x i के और v डैश y क्या लिख सकता हूं j के, ये वाला फार्मूला लिख सकता हूं कि नहीं, यही वाला फार्मूला लिखूंगा, बिकॉज़ देखिए जब हमारा सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट बाय डेल एक्स बाय में लिख सकता हूं डेल टी, पर जब यही वाला हो जाता है तो डेल एक्स बाय जब आ जाता है पर्टिकुलरली आई के, आई के मतलब पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस के लिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं डी एक्स, और ये जो डेल वाई था डेल वाई जब होता है पर्टिकुलरली जे एक्स, मैं क्या लिख सकता हूं वाई एक्सिस के लिख सकता हूं, तो पर्टिकुलरली उसी फार्मूला के ऊपर बेस करके मैं लिख सकता हूं कि नहीं, यहां पर क्या लिखूंगा v dash x, v dash x i cap plus v dash y j cap, पर v dash के लिए ना average velocity के लिए, पर certain axis ये जो two dimension है x axis के लिए और क्या है y axis के लिए, समझ गए? अच्छा, अभी उसी से हम लोग part में जाएंगे instantaneous velocity, क्या instantaneous velocity, instantaneous velocity कुछ नहीं, same formula है average velocity की तरह, बस changes क्या है, यहाँ पर एक certain time लेंगे हम लोग क्या लेंगे zero, certain time unit क्या लेंगे सिर्फ zero, एक instant of time, इंस्टेंट ऑफ टाइम यहां पर 0 होगा, समझ में, तो वही देखिए इट क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल वेलोसिटी इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी, क्या है लिमिटिंग वैल्यू, एक लिमिट रहेगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी लिमिट रहेगा एवरेज वेलोसिटी का, उसी के साथ ही क्या है सेम है, ये एवरेज वेलोसिटी के साथ सेम है, बस चेंजेस क्या है, एक लिमिट रहेगा, वो लिमिट क्या है जहां पे टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0, तो यही बात याद रखना, इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है, जहां पे लिमिट रहेगी सटल लिमिट, जहां पर टाइम इंटरवल क्या करेगा अप्रोच करेगा 0 तक, कहां तक अप्रोच करेगा 0 तक, तो वहां पर हम लोग क्या लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सटल इंस्टेंट ऑफ टाइम, समझ गए, तो इसका फार्मूला क्या है देखिए, कि आपके मैथमेटिक्स में भी आएगा, मतलब जो भी आपके मैथ्स में जो दे रहे हैं उसके मतलब आगे वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगा, डेरिवेटिव एंड कैलकुलस चैप्टर में लिमिट्स क्या है, डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, मैं भी आपको बताऊंगा कुछ न्यूमेरिकल करने के बाद, तो वही देखिए तो लिमिट्स क्या होता है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, तुमने क्या क्या बोला था, ये फॉर्मूला सेम है, एवरेज वेलोसिटी की तरह ही सेम है, बस चेंजेस क्या है, यहाँ पे सर्टेन टाइम लिमिट क्या लेंगे 0, तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, क्या लिखूंगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, बाकी आपका फॉर्मूला क्या था, वही यही वाला फॉर्मूला था डेल आर वेक्टर बाय डेल टी, ये वाला फॉर्मूला था कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला था, मैं आपको ऑलरेडी लिखा रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम इंटरवल, बस ये क्या करना है, यही जो टाइम इंटरवल को क्या रखना है, इट विल अप्रोच टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो जब यही वाला लिमिट यहां पे अप्लाई होगा, ये जो हमारा डेल है, आपको डेल मैथमेटिकल में हम लोग कैसे लिखते हैं डी बाय डीटी फॉर्म में, यही वाला डेल कैसे लिखते हैं मैथमेटिक में डी बाय डीटी फॉर्म, तो जब लिमिट आएगा ये क्या हो जाएगा, वो लिमिट जाके वो क्या हो जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं डी आर वेक्टर बाय डी टी, ये आपका आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझ में, इसको नोट कर लीजिए, बस यही वाला याद रखना, जब लिमिट यहां पे अप्लाई होगा और टाइम डेल टी टेंड्स टू 0, वहां पे क्या है मैथमेटिकल टर्म में हम लोग लिखेंगे कैसे डी बाय डीटी फॉर्म, डी बाय डीटी हम लोग डेरिवेटिव ट्रांसफॉर्म करके इसको लिखेंगे, तो डेरिवेटिव कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लास में, और इसके साथ और भी कुछ अप्लाई होगा इंटीग्रेशन से, डेरिवेटिव कैलकुलस ये सब आपके मैथ्स में भी आता है, जो कि 12th में भी आता है एंड 11th में भी है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स, तो मैथ्स को आपको मतलब फोकस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि, तो इसको नोट कर लीजिए, कभी हम देखेंगे वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है x एंड y, x एक्सिस एंड y एक्सिस कंपोनेंट में उस वेलोसिटी को निकालना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में उसको डिवाइड करना है, तो देखिए तब को वेलोसिटी का फार्मूला तो आपको ऑलरेडी पता था, वेलोसिटी इक्वल टू क्या था एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय कॉरस्पोंडिंग इंटरवल ऑफ टाइम आपको ऑलरेडी पता था, तो इंस्टेंटेनियस में इसको अगर अप्लाई करेंगे क्या होगा, अब वही इंस्टेंटेनियस में ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूं सॉरी, तो क्या था डी आर वेक्टर बाय क्या था डी टी, तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा देखिए, तो डी आर वेक्टर बाय डी टी इसमें यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, यहां पर आप देख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा
जीरो। और यहाँ पर क्या है देखिए, आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता था, डेल एक्स आई के डेल एक्स आई के प्लस डेल वाई जे के बाय क्या है डेल टी। अभी इसको क्या करेंगे, आई के को अलग सेक्शन करेंगे, जे के को अलग सेक्शन करेंगे, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। मैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे डिवाइड कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे ले रहा हूं लिमिट टर्म, जैसे कि लास्ट में देखिए मेरा फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे x एंड y को मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड फॉर्म में लाऊंगा। तो देखिए तो मैं क्या किया, डिवाइड किया, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स आई के बाय डेल टी, डेल एक्स आई के बाय डेल टी, आई के पर कॉमन ले इस तरफ, उसके बाद उधर क्या आएगा, जे के पर आएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स क्या है डेल टी, और जे के का अलग सेक्शन हो गया। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर लिमिट अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी, इसमें आ जाएगा, यहां पर जो डेल एक्स बाय डेल टी है इसमें आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी, ये क्या है आई के प्लस, वहां पर क्या है डेल वाई बाय डेल टी है, इसके फॉर्म में आएगा डी वाई बाय डी टी फॉर्म में आ जाएगा, बिकॉज इसमें लिमिट फॉर्म में इधर आई के आगे इधर जे के आगे। अभी देखिए जो हमारा डी आर वेक्टर बाय डी टी था, ये डिस्प्लेसमेंट बाय क्या था, कॉरस्पोंडिंग टाइम इंटरवल था, वो जो डेरिवेटिव में फॉर्म में था उसको मैंने रेक्टेंगुलर में देखिए अप्लाई करके x एंड y के लिए ले आया, देखिए मैंने x एंड y के लिए ले आया, समझ में अच्छा। अभी देखिए तो अभी आपको ऑलरेडी पता है dx i के बाय dt एंड dy dt बाय j के का फार्मूला क्या होता है, dx i के + dy j के, और वही आ गया फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला क्या आएगा, dx i के + dy j के = v डैश, समझ में आ गया। इसके मैग्नीट्यूड फार्मूला आपने आपको ऑलरेडी बताया था √ ओवर ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो मैग्नीट्यूड निकालना √ ओवर स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा vx square plus vy square, समझ में। अभी इसका क्या करें, एंगल निकालें, आपको ऑलरेडी मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का फार्मूला बता चुका हूं, इसका एंगुलर फार्मूला क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू vy / vx, परपेंडिकुलर बाय बेस, आपको ऑलरेडी पता है परपेंडिकुलर कौन है, y है, बेस कौन है, x है, तो vy / क्या है vx, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स vy / vx। तो देखिए जो हमारा सिंपल फार्मूला था v डैश, उसी को मैंने निकाल के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट vx एंड vy में मैंने डिवाइड कर दिया, इस फार्मूला को क्या है टाइम, और लिमिट में यहां पे दूंगा
टेन टी टेन टू क्या हो जाएगा जीरो, टेन टी टेन टू क्या हो गया जीरो। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ये हमारा क्या है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैथमेटिकल में क्या बोलते हैं डी वेक्टर वेलोसिटी, क्या ऑलरेडी पता है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इसमें एक्सेलरेशन भी उसी सेम प्रोसेस से मैंने निकाला है फॉर्मूला। लिमिट अप्लाई होने से क्या हो जाता है मैथमेटिकल फॉर्म में डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाता है क्या होता है डी बाय डीटी, समझ में। तब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी एवरेज ये जो एक्सेलरेशन है इसका हम लोग क्या करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे, इसी फॉर्मूला को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस कंपोनेंट के साथ जैसे मैंने वेलोसिटी को किया। स्टूडेंट्स अभी हम लोग निकालेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हमारा एक्सेलरेशन था एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहे हैं स्टूडेंट एक्सेलरेशन क्या था एडीएस था, उसको हम लोग को क्या करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे हमने वेलोसिटी को कन्वर्ट किया था वी एक्स एंड वी वाई में वैसे एक्सेलरेशन कन्वर्ट करना है एक्स एंड वाई में। तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है इंस्टेंटेनियस में क्या होता है डी वेक्टर बाय डीटी एंड लिमिट, अगर लिमिट में इसको लिखूंगा पहले कैसे लिखता था इस फॉर्मूला से पहले लिमिट डेफिनेट टेंड्स टू 0 क्योंकि हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था क्या था ये क्या होता है रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो क्या था देन क्या आ जाएगा डी वेक्टर बाय डीटी फॉर्मूला में आ गया। तो डी वेक्टर आपको ऑलरेडी पता है वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के बाय क्या आ जाएगा डीटी। वैसे ही सेम प्रोसेस जैसे मैंने वेलोसिटी को डिवाइड किया था वैसे मैं यहां पे क्या करूंगा एक्सेलरेशन को भी दो दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो आई के आई के सेक्शन में रखता हूं जेके को जेके सेक्शन में रखता हूं। तो यहां पे क्या होता है लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 एंड यहां पर जो ये क्या है वी एक्स क्या है आई के है और क्या है इधर डेल्टा है यहां पर डेल्टा लिखना होगा। तो देखिए तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं डेल वी एक्स देख लीजिए डेल वी एक्स बाय डेल्टा आई के और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं डेल वी बाय जैसे हमने वैसे यहाँ पर क्या है लिमिट दिया हूँ dx by dt के ऊपर तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ d by dt d dx by dt i के plus d dy by dt j के कर सकता हूँ। तो ये हमारा आ गया क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो आपको ऑलरेडी पता है अगर ये वाला फॉर्मूला d by dt के होगा यहाँ पर अगर x कंपोनेंट होगा तो x कंपोनेंट dx आ गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा x आ जाएगा और y के ऊपर के लिए एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा y आ जाएगा और a वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया ax i के plus ay क्या आ गया j के। ये आपको क्या था एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फार्मूला में आ गया। इसके बाद आपको कुछ और थोड़ा मैथमेटिकल फार्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि आपका एक्सेलरेशन का है। देखिए जो डेरिवेटिव टर्म है या आगे जब ये सब आपका आएगा क्वेश्चन में देखिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मैं लिख सकता हूं मेरा जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन इक्वल टू फार्मूला क्या लिख सकता हूं पर x कंपोनेंट के लिए मैं लिख सकता हूं dvx / dt। आपको ऑलरेडी पता है वेलोसिटी का फार्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यहां पे ऑलरेडी d / dt है d / dt के अंदर क्या है वेलोसिटी उस वेलोसिटी को मैं रिप्लेस कर दूंगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट मेरा ऑलरेडी क्या है dx / dt। आपको तो ऑलरेडी पता है ना vx का क्या होता है dx / dt ये आपको ऑलरेडी पता है तो मैं इसको इस टाइप में लिख सकता हूं इसको और कैसे लिखूंगा d स्क्वायर x / dt स्क्वायर। इसको डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। ये सिंगल डेरिवेटिव है क्या है डबल डेरिवेटिव डेरिवेटिव फॉर्म है बट इसका क्या है डबल है समझ में आया नहीं वैसे। और ये क्या था ये था a x के लिए ये क्या था a x के लिए यहां पर अगर a y के लिए क्या लिखूंगा d स्क्वायर y / dt स्क्वायर y के लिए y एंड x के लिए x समझ में आएगा नहीं तो इस सब जितना भी फॉर्मूला है सब का नोट कर लीजिए जो कि आपके क्वेश्चंस में आएगा। ये वाला फॉर्मूला एक दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है यहां पर हम लोग अभी पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्या है टू डायमेंशन के ऊपर है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो रेट ऑफ चेंज रहता है जो रेट ऑफ चेंज जो मोशन रहता है मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ एक कार उसी के साथ और एक कार मूव कर रहा हूँ उन दोनों के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी रहता है या उन दोनों के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन रहता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट लेंगे ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, बोथ आर इन मोशन, ए ऑब्जेक्ट पे मोशन कर रहा है बी ऑब्जेक्ट पे मोशन कर रहा है, तो उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी आएगा कैसे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, बी ऑब्जेक्ट से लेके ए ऑब्जेक्ट कैसे उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, वो डिफरेंस अगर पता चल जाएगा हम लोग को क्या समझ में आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। अगर ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग रिलेट करेंगे दोनों को डिफाइन करके, एक बी ऑब्जेक्ट के पोजीशन से लेके ए ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लेके अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन हम लोग को पता चल जाएगा या डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम लोग को क्या पता लगाया जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या है बी। देखिए तो हमने क्या लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यहां पर क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैं क्या लूंगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को लेके मुझे ए तक मेजर करना है, तो मैंने यहां पे लिया है रिलेटिव वेलोसिटी बी ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखूंगा बी से लेके मुझे ए तक मेजर करना है, तो मैं इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस देखूंगा वेलोसिटी का कितना डिफरेंस आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा खुद का जो बी ए ऑब्जेक्ट के लिए बी ए वेक्टर का जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट का वेक्टर दोनों क्या करूंगा माइनस करूंगा मेजर कर। अभी क्या करूंगा इसका उल्टा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए को छोड़ के अभी बी को क्या करूंगा मेजर करूंगा ए के मोशन के साथ, तो मैं क्या लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी ए वेक्टर और मैं इसको क्या बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट का वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट का वेक्टर, तो बी ऑब्जेक्ट को बी ऑब्जेक्ट को मोशन में जा रहा है मैं उसको किससे मेजर कर रहा हूं ए ऑब्जेक्ट से मेजर कर रहा हूं, तो यहां पर दो फॉर्मूला आ गया बी ए माइनस बी बी एंड बी माइनस बी ए, आपको ऑलरेडी सिंपल पता है बी ए बी का उल्टा क्या है बी बी ए, तो मैं भी यहां पर लिख सकता हूं बी ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी बी ए वेक्टर लिख सकता हूं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बट सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा ना, मैग्नीट्यूड सेम है बट, तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड सेम आएगा ये वाला फार्मूला इधर ले आऊंगा जो कि मैंने बी से मेजर किया मैं अगर ए तक ले आऊंगा तो क्या लिख सकता हूं रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला क्या आएगा दोनों के बीच आएगा और क्या आएगा वी ए प्लस माइनस बी बी, मेरा नेगेटिव था तो नेगेटिव ही जाएगा ना, इसका बी का जो उल्टा है वो बी बी है, तो ये माइनस अगर माइनस प्लस करूंगा तो कितना आएगा माइनस आएगा और बी ए माइनस ये आएगा बी बी वेक्टर, समझ में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ए ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी कैसे मेजर करूंगा बी से लेके मैं मेजर करूंगा, तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, यहां पे कोई डिफरेंस है बी ए प्लस प्लस या माइनस ये उससे उल्टा है, मैंने यहां पर दिखाया ये ए के लिए है ए के लिए ए किसके लिए बी के लिए, तो इधर आने से क्या हो जाएगा इधर आने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो बी माइनस का हो जाएगा। अभी आपको एक एग्जांपल होगा एक रेनफॉल एंड एक मेन के ऊपर, एक मेन के पास अम्ब्रेला एक रेनफॉल उसके ऊपर पड़ रहा है तो वो कैसे उसको मतलब काउंटर करके जा रहा है उनके अंदर रेनफॉल और ह्यूमन के अंदर जो मेन के अंदर क्या उनके अंदर मतलब रिलेशन रिलेटिव वेलोसिटी का वो आपको देखना है। रेनफॉल ऊपर से आ रहा है वर्टिकली तो नीचे तक जाएगा क्या वेलोसिटी ऑफ क्या रेनफॉल, समझ में अच्छा ये वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल है ये वेलोसिटी ऑफ क्या है ऑपोजिट जो नेगेटिव क्या है मैन, समझ में आया अच्छा, तो इन दोनों के अंदर जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या पर आएगा इधर बीच में है इधर बीच में है सिंपल है बीच में है इन दोनों के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी जो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर जो मूवमेंट चेंजेस हो रहे हैं उन दोनों का जो मतलब जो रिलेशन आएगा इन दोनों के अंदर इनका जो मूवमेंट चेंज हो रहा है इस पोजीशन लेके इस पोजीशन तक जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन है उसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए तो मैं यहां पर क्या लिया हूं बी आर एम लिया, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी जो बीच में आएगा क्या है बी आर एम, आपको ऑलरेडी पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी आर एम क्या होगा बी आर माइनस बी एम, रेनफॉल का डिफरेंस होगा किसके साथ मेन के साथ और मेन हमारा क्या है नेगेटिव है आपको ऑलरेडी पता है नेगेटिव है नेगेटिव लिखा बीच में लिखा पॉजिटिव वही फॉर्मूला के साथ सेम है और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बी आर एम हमारा क्या है वो भी वेक्टर है एंड हमारा जो क्या है बी आर हमारा बी आर क्या है वो भी वेक्टर है बी माइनस जो बी एम क्या है उसी वेक्टर और मैं लिख सकता हूं वो भी वेक्टर प्लस उसी
वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं ओडी वेक्टर सिंपल सा बात है और tan थीटा इक्वल टू क्या है डीबी बाय ओबी प्लस का एंगल अगर देखूंगा tan थीटा इक्वल टू क्या है डीबी बाय ओबी तो हमारा क्या आ रहा है डीबी बाय ओबी तो डीबी हमारा क्या है वीएम तो डीबी हमारा क्या है वीएम एंड ओबी हमारा क्या है वीआर ओबी हमारा क्या है वीआर देखिए डीबी बाय हमारा क्या है ओबी देख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस समझ में आ रहा है डीबी बाय दिया है तो वही सेम फार्मूला है जो कि रिलेटिव वेलोसिटी था रेनफॉल एंड लेंथ के साथ तो वो वाला जो फार्मूला था ये वाला भी वही है समझ में आया कि नहीं तो समझ में तो इसको नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो जितने भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में सब सॉल्व कर लीजिए अगर डाउट है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उसे आप लोग पूछ सकते हैं डाउट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो